हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है 3D एनिमेशन में। हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में आपको बताया था कि माया को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका बेसिक इंट्रो दिया था और उसमें बेसिक नेविगेशन जो हम करते हैं उसके बारे में बताया था आपको। आज फोर्थ लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम माया में अपने वर्क स्पेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपने वर्क स्पेस को अपनी मर्जी से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने इंटरफेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई चीज़ हमें हाइड करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कस्पेस, पहले तो मैं वर्कस्पेस के बारे में बताऊंगी। वर्कस्पेस का ऑप्शन टॉप में है, राइट साइड पर। उस पर आप क्लिक करेंगे तो बस काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले माया क्लासिक का ऑप्शन है। माया क्लासिक वो वर्कस्पेस है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी सामने जो स्क्रीन पर हमें नज़र आ रहा है, मतलब डिफ़ॉल्ट जो है वो माया क्लासिक है। इसके अलावा मॉडलिंग स्टैंडर्ड है, मॉडलिंग एक्सपर्ट है, स्क्रप्टिंग है, पोस्ट स्क्रप्टिंग पे है, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग के लिहाज से भी काफ़ी सारे वर्कस्पेस दिए गए हैं। हम सबसे पहले मॉडलिंग स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं। मॉडलिंग स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो देखें कि हमारे पास एनिमेशन का जो टाइम स्लाइडर था वो हाइड हो गया है, क्योंकि हमें मॉडलिंग करनी है तो मॉडलिंग में हमें एनिमेशन के लिहाज से कोई चीज़ की नीड नहीं है, तो इसलिए वो हाइड हो गया है, तो ताकि हमें ज़्यादा वर्क स्पेस मिल सके और हम इजीली अपनी मॉडलिंग कर सकें। इसके अलावा मॉडलिंग स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, आउटलाइनर हाइड हो जाता है और टाइम स्लाइडर भी हाइड हो जाता है, चैनल बॉक्स, मॉडलिंग टूलकिट्स, एट्रीब्यूट एडिटर, ये सब हाइड हो जाते हैं। ज़्यादा हमें एक्सपर्ट में ज़्यादा स्पेस मिलता है ताकि हम अच्छे से एक्सपर्टली मॉडलिंग कर सके, ताकि हमें कोई भी चीज़ तंग नहीं करे अपनी मॉडलिंग करते हुए, हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करते हुए हर व्यू से आराम से देख सकें। इसके अलावा एनिमेशन भी है, रिगिंग भी। अगर हमें एनिमेशन कर रहे हैं तो हम एनिमेशन वाला वर्कस्पेस अगर हम लें तो हमें ज़्यादा ईजी होता है, बस काफ़ी सारे टाइम स्लाइडर, ग्राफ एडिटर सब ओपन होकर आ जाता है, हमें उसको सेपरेटली ओपन करके नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा अगर आपको इनमें से अगर कोई भी नहीं चाहिए, आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपने वर्कस्पेस को, तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ में प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन होता है इंटरफेस, UI एलिमेंट्स सेकेंड ऑप्शन है। इसमें हम अपनी मर्जी से जो स्टेटस लाइन है हम इसको हाइड कर देते हैं, शेल्फ को हाइड कर देते हैं, टाइम स्लाइडर को हाइड कर देते हैं, अपनी मर्जी से जो हमें नहीं चाहिए उनको हम हाइड कर देते हैं। और इन मेन विंडो या इन पैनल्स हैं इनको हाइड कर देते हैं, अपनी मर्जी से जो चीज़ हमें अपनी सीन में नहीं चाहिए हम उसको हाइड करके अपना एक वर्क स्पेस बना सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम सेव भी कर सकते हैं। हम वर्क स्पेस वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसमें सबसे लास्ट में आता है सेव करंट वर्क स्पेस। ऐसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इसको सेव करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है, हम मुझे कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कस्टमाइज वर्क स्पेस, माय कस्टमाइज वर्क स्पेस मैंने लिखा है, उसके ओके करेंगे तो फिर हमारे पास एक टॉप पे एक और वर्क स्पेस बनकर आ जाता है जो हमने अभी बनाया है। हम इसको क्लिक करेंगे, पहले तो माया क्लासिक पे जाते हैं, रिसेट करते हैं माया क्लासिक पे, हम डिफॉल्ट वाले पे आ गए। अब हम जो बनाया था माय कस्टमाइज वर्क स्पेस, हम उस पर क्लिक करते हैं, देखिए हम बस वही बन के आ गया है जो हमने अभी बनाया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें हाइड की थी, वही हमारे पास वर्क स्पेस बन के आ गया। हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, फिर हमने इनमें से अगर हमें कोई लेना है चूज करना है तो उन पर क्लिक कर ही, जैसे मॉडलिंग करनी तो मॉडलिंग एक्सपर्ट भी हमें दे रहे हैं, मॉडलिंग स्टैंडर्ड भी हमें दे रहे हैं, रेंडरिंग के लिहाज से भी स्टैंडर्ड एक्सपर्ट है। अगर हमें अपनी मर्जी से बनाना है तो हम अपना कस्टमाइज भी कर सकते हैं और इनमें से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने इंटरफेस को भी मैनेज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल हम प्रेफरेंसेस में जाते हैं, दोबारा विंडोज में जाकर प्रेफरेंसेस में, अभी हमारे पास इंटरफेस है। इंटरफेस में हम सबसे पहला ऑप्शन है मेन्यू सेट का, मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन। हम यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ बाहर भी चेंज हो जाएगा। सर मैंने भी मॉडलिंग किया तो मॉडलिंग हो गया है, रिगिंग पे क्लिक करूँगी तो रिगिंग चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम
शो मेन्यू बार है हम इसको क्लिक चेक हटा देंगे तो वो चीज़ हाइड हो जाएगी हमारे इंटरफेस से। अगर हम इन पैलेट्स को भी हटा देते हैं, इन मेन विंडो को भी हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, चेक हटा देंगे तो हाइड हो जाएगा। अपनी मर्जी से हम अगर कोई चीज़ हाइड करना चाहते हैं तो हम हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है हाईलाइट व्हाट इज न्यू इन द रिलीज। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम अगर आपके पास 2020 है माया, तो आपके पास बायोफ्रोस्ट का एक न्यू हाईलाइट हो जाएगा मेन्यू में, ये वो एक नया है। इसके अलावा हमारे पास है स्केल इंटरफेस यूजिंग सिस्टम, ये डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। इसके पास हमारे पास यूआई एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे स्टेटस लाइन है, हम स्टेटस लाइन को हम बंद कर देंगे तो हमें नहीं आएगा, चेक हटा देंगे तो हम हाइड हो जाएगा। शेल्फ है, शेल्फ को हमने चेक हटा दिया तो हाइड हो गया। ट्रैम स्लाइडर है, ट्रैम स्लाइडर को हम हाइड कर दिया। अगर हम मॉडलिंग करें तो हम सिर्फ ट्रैम स्लाइडर ही तंग कर रहे थे, उसको हाइड कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से वो हाइड और शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हेल्प है, हेल्प में हम इन व्यू मैसेजेस, जैसे कि हमें जैसे कि आ जाता है हमें से मैसेज बॉक्स आता है, उसको हम तंग हो रहे हैं इससे, मतलब हम नहीं चाहते हमारे पास मैसेज बॉक्स है। जब भी हम 4, 5 या 6 प्रेस करें या 7 प्रेस करें तो हम इनेबल के ऊपर चेक हटा दें ताकि वो हमें नज़र ना आए। ये भी हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हेल्प उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऑप्शन, जिन्होंने अभी अभी माया सीखना शुरू किया है वो हेल्प के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर आप स्पेस बार को होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन आते हैं माया के, वही सारे ऑप्शन जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जैसे फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, ये सब ऑप्शन अगर हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तभी भी आएंगे, जैसे फाइल, एडिट, क्रिएट, सेलेक्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले विंडो, कैची आर्नल्ड, व्यू, शेडिंग, लाइटिंग, शो, रेंडर पैनल्स। इसके बाद हमारे पास माया के साथ रिसेंट कमांड्स भी हैं जो हमने अभी रिसेंट लिए हों, जैसे हमने अभी रिसेंट जो भी कमांड्स दिए हैं वो सब यहाँ पे आ गए हैं। अगर हमने दोबारा वो रिसेंट वही देने तो हम यहाँ पे जाके फिर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा माया पे जब हम बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, प्रस्पेक्टिव व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू, बॉटम व्यू, राइट व्यू, फ्रंट व्यू। अगर हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं से भी हम देखना चाहें। जैसे हम अभी प्रस्पेक्टिव व्यू में हैं, मैं जाती हूँ अभी फ्रंट व्यू में, तो हम इजीली बहुत फास्टली हम लोग फ्रंट व्यू में आ गए हैं। हम जिस व्यू में जाना है उस व्यू के लिहाज से उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बहुत इजीली स्पेस बार के थ्रू। फ्रंट व्यू में जाना हो, टॉप व्यू में जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, हम इजीली उस पर जा सकते हैं, उस व्यू में जा सकते हैं स्पेस बार के ऑप्शन के थ्रू। उसके हॉट बॉक्स कंट्रोल ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें हमारे पास आ रहा है हमारे पास शो है, हम कोई भी चीज़ शो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, हमारी मर्जी है। जैसे हम हाइड करना चाहते हैं, हम अपने हमने भी हाइड किया अपना एफएक्स, हमने हाइड कर दिया अपनी मर्जी से इसको। और इसके अलावा हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने अभी ऑब्जेक्ट लिया है पॉलीगॉन, हमने ऑब्जेक्ट लिया, अगर हम उसको क्लिक करेंगे, अगर हम उस पर राइट क्लिक करते हैं, अगर पॉलीगॉन हमने ऑब्जेक्ट लिया है, अगर हम उस पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं इसके, एज, वर्टेक्स, वर्टेक्स, फेस, फेस, मल्टी, यूवी और ऑब्जेक्ट मोड। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के एजेस में जाना है तो हम एजेस सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी। अगर हमने फेस जाने तो हम फेस सेलेक्ट करेंगे, फेस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट के हम फेसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्टेक्स पे जाएंगे तो हम उसके किसी भी उस ऑब्जेक्ट के हम वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो हम पूरा ऑब्जेक्ट उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास उसके नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, असाइन न्यू मटेरियल, हम इसके कोई भी मटेरियल असाइन कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कोई भी मटेरियल हमने किसी पहले पे इस पर अप्लाई किया हो तो हम उसके ऊपर भी सेम अप्लाई कर सकते हैं।
असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल के थ्रू, असाइन फेवरेट मटेरियल जो हम यूज़ करते रहते हैं, मटेरियल्स हमारे सामने आ जाएंगे, वो भी इसको असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, डी सेलेक्ट करने के लिए भी है, सेलेक्ट हायरार्की, इनवर्ट सिलेक्शन भी है हमारे पास ऑप्शन, इसको इन्वर्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अगर हम पॉलीगॉन के अलावा अगर हम कर्व सरफेस से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, अगर उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो बस चेंज ऑप्शन आएंगे, हमारे पास आएगा वर्टेक्स कंट्रोल वर्टेक्स ऑप्शन आएगा, हमारे पास चेंज ऑप्शन हो जाएंगे। पॉलीगॉन्स के अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन चेंज होंगे। अगर हम कर्व सरफेस के ऊपर किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन चेंज होंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने अभी एक कर्व सरफेस लिया है, इसके बाद हमने सेलेक्ट किया तो हमारे पास ऑप्शन चेंज हो गए हैं, जैसे कंट्रोल वर्टेक्स, कर्व पॉइंट, एडिट पॉइंट, ऑब्जेक्ट मोड, डिफरेंट। बाकी नीचे वाले तकरीबन सेम होते हैं, जस्ट ऊपर वाले हमारे पास चेंज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई, अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।